साहब नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा जॉइंट सेक्रेटरी केसी शौकत पाशा साहब के इंटरव्यू के बाद मैं इस बात का एहसास किया कि मैं इसी आरएमईटी के वाइस प्रेसिडेंट साबिक वाइस चांसलर रानापोया यूनिवर्सिटी सैयद अकील अहमद साहब के घर जाऊं, तो वहां पे मैं गया और वहां इसी मुद्दे से लेकर बात की और जो भी उन्होंने कहा वो आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। और यह भी बता दूँ कि इसी ट्रस्ट के सदर प्रोफेसर रियाज अहमद साहब के घर गया और जब मैंने इस सिलसिले में बात करनी चाही तो उन्होंने माजरत चाही और यह कहा कि मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं बयान नहीं दे सकूंगा और यह भी अपील की कि इस मामले को तूल ना दिया जाए बल्कि इस इंस्टीट्यूशन को जो बखा की फिक्र की जाए वो तमाम लोग मिलकर फिक्र करें और बजाय इस मामले को उछालने के जहाँ तक इसके मफाद की बात हो उसको आम किया जाए, इस बात का इजहार प्रोफेसर रियाज अहमद साहब ने हमारे रूबरू किया। और आइए अखिल साहब जो तरीके से बात की वो आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, आपके पास आने का मकसद भी आपको शायद इल्म है कि रिफॉर्म मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का जो हालत आज हो रही है, क्योंकि आज 32 नवंबर है, कल 30 तारीख है, उस 30 तारीख को लेकर शहर मैसूर से लेकर सारे रियासत में एक बात तय की गई है कि एक्शन होने जा रहा है, ये इदारा चले जाएगा, वरना वो यहाँ तक बात आ गई है कि करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदारों की तरफ से कुछ भी जवाब अब तक नहीं आया है। ठीक है सर, बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपका क्या बयान देना चाहेंगे सर? नहीं, पहले सबसे ये बात है कि भी ये 2008 में जो पहले इंस्टॉलमेंट था वो सारे ट्रस्टियों ने मिलके ताज मोहम्मद खान को ऑथराइज किए थे। अच्छा, उसमें जो अबाउट 95 लाख रुपीस से उन्होंने वो कर्जा लिया का वो ऑथराइज किए थे, तो आपको मालूम था वो 95 लाख का मालूम था जी सर। उसके बाद 2008 को मैं 2008 से 2007 में हुई 2007 के शुरू हो गई जो 2007 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था जी जी, तमाम को इल्म था, तमाम को इल्म था और आय का वो आर्टिकल ऑफ फेथ रहता है जी, क्योंकि वो प्रोग्रेस दिखा रहे थे और एमडीएस एक क्लासेस शुरू करने वाले थे, उसके लिए थोड़ी बहुत नए चेयर्स मंगवाने पड़ते हैं बहुत सारे और जरूरत के हिसाब से उन्होंने पूछा कि मुझे ऑथराइज कीजिए, मुझे करना है। इन आर्टिकल ऑफ फेथ जो पूरे ट्रस्टी ने उन्होंने किया और वो उस वक्त उन्होंने भी बड़ी दानिशमंदी से सिर्फ 95 लाख रुपीस उन्होंने खर्च लिया। अच्छा, वो 95 लाख रुपीस उतना बड़ा अमाउंट नहीं था क्योंकि हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस थे उतना हम कर सकते थे बिल्कुल। मगर उसके बाद 2008 से मैं 2008, 2009 और 2010 में मैं एनोपिया यूनिवर्सिटी को चला गया एज ए वाइस चांसलर। इन तीनों सालों में ये 500 लाख का जो एक बार हुआ, फिर जो है उसके बाद दूसरे जो है पूरे मिलके 8.9 करोड़ का पूरा असासा बढ़ गया बिल्कुल बिल्कुल। जब वापस आए हम इसके बाद एक मेडिकल इसके अंदर जो ट्रस्ट की मीटिंग थी, जो ट्रस्ट की मीटिंग कभी रेगुलर नहीं हुई, हमने हर वक्त ट्रस्ट की मीटिंग में ये बात कह रहा था कि जो भी आप कर रहे हैं क्योंकि इतने पैसे का मामला है आपको एक इंटरनल ऑडिट कमेटी विद द ट्रस्टीज फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा, और जो भी आपका जो सिग्नेचर है इट शुड बी जॉइंट सिग्नेचर क्योंकि वहां पे ट्रस्टी भी अपॉइंटेड है, ये भी वो नहीं कर रहे थे। हर वक्त हमने मीटिंग किया और चूंकि मैं ज्यादा बात करता था तो उन्होंने मीटिंग को बुलाना ही मुलतवी करना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हर वक्त हर मीटिंग में हमने यही बात की कि आपको अकाउंट्स पेश कीजिए, ऐसे अकाउंट्स करते कि ये फोन एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू द ऑडिट बोल के। अच्छा, ऑडिट तो ठीक है मगर ये क्या है कि भी ये कोई एक जो शख्स मेरा मुझे बोले तो उतना मुझे इल्म नहीं था। उस वक्त जनाब मेकरी साहब थे जो ऑडिटर थे, उनके पास अगर एक इंटरनल ऑडिट कमेटी होती दो या तीन ट्रस्टीज की तो उस वक्त ये होता था कि भी वो पूरा वो अकाउंट्स वेरीफाई करते, उसके बाद वो ऑडिटर के पास जाता, ऑडिटर के पास फिर आके फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में रखते तो वहां अप्रूव हो जाता जी जी। तो ये मामला जब ये हुआ है उसके बाद मैं हर वक्त इस बात को उठाता था, सबसे ज्यादा मैंने बात की थी कि भाई आप एक ट्रस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट के हैं जो पर्सनल ट्रस्ट नहीं है, ये तो इसके अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी में बना हुआ है बिल्कुल, और औकाफ की प्रॉपर्टी में बना हुआ है और ये पूरा इट इज कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी है बिल्कुल, तो सिंगल चेक सिंगल सिग्नेटरी ये आप चेंज करना है क्योंकि ट्रेजर है, आप ज्वाइंट अकाउंट कर लीजिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं किए। अच्छा, और इस बात के मैं हर वक्त करता था, जैसा ज्यादा करता था वो मुलतवी कर देते, सो दैट
और जब ये रेजोल्यूशन जो करते हैं, और रेजोल्यूशन वो पूरा क्या क्या रेजोल्यूशन रिकॉर्ड हुए हैं, फिर बिल्कुल उसके बाद वो बुक में वो जो करते थे हमें कभी दिखाई नहीं। अच्छा अभी तक हमें बाइलास की कॉपी, हमने बहुत पूछा है, अभी तक मुझे बाइलास की कॉपी नहीं है, स्ट्रेंज कभी एक है, बार दिखा दिए। स्ट्रेंज है अब जैसा जैसा टाइम बढ़ता गया, 2015 में जब ये है तो हमने बहुत सारा ये किया था, जी 2014 से, जी 2014 से उसके बाद उन्होंने मीटिंग ही बुलाना छोड़ दिया, 6 साल हो गए। सर, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, आपको पता ही है पेपर में, तो सर बाकायदा कोलैटरल के तौर पर इंडिका का जमीन दिखाई गई हाँ, थी। अब देखिए, अब ये सब जो ये कोलैटरल का है इसका दिए हैं, और जो जो भी है उनका पूरा क्या है सिक्योरिटी जो देना है वो दिए हैं, जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट दिए हैं, जो पैसे खर्चा किए हैं, हमें कोई सेक्टर ट्रस्टी को मालूम नहीं, मुझे नहीं है, कोई भी ट्रस्टी को मालूम नहीं है अच्छा कैसा एक पैसा कैसा खर्च किया है, वो किसी को मालूम नहीं है। अच्छा ट्रेजरर को मालूम नहीं था, खैर वो तो मरहूम, इनका इंतकाल हो गया है। यही मामला है, हमने बोला है कि एक ट्रस्ट मतलब एक इट शुड बी अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट हैज टू होल्ड ऑल एज एन एम्बेसिडर जी ही शुड डायरेक्ट इट, जी एंड अनफॉर्चुनेटली द प्रेसिडेंट ऑल्सो वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ दिस वन, ही वॉज वर्किंग यस अंडर, यस यस सर दैट वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, जी 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 तो जी ही शुड हैव एग्जीक्यूटेड। एंड अब एक मीटिंग बुलाए, एक परसों एक हमने कहा कि आप मीटिंग बुलाइए, जी प्रेसिडेंट हैज गॉट ऑल द पावर्स टू कॉल फॉर द मीटिंग, जी ही कैन डायरेक्ट दिस सेक्रेटरी, इफ ही इज नॉट ऑब्लिजिंग ही कैन कॉल फॉर ए जॉइंट सेक्रेटरी, इफ ही इज ऑल्सो नॉट कॉलिंग ही हिमसेल्फ कैन कॉल द मीटिंग। ऑफ कोर्स सर। सी तो आपको पता ही है, फॉर डीएड कॉलेज में जैसे नोटिस हाँ, पड़े तब लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, वरना तो इल्म में नहीं आती थी नहीं बात। आती थी सर बात, आपके इल्म में कब आया सर ये जो फिगर है 1 करोड़ नया एक हमने करोड़ यूज किया? कम 200 में बाबा साहब 213 में ही मालूम हो गया था, क्योंकि अच्छा उस वक्त प्रोसेस चल रहा था, इस उन्होंने यही बात की कि अभी हमारा एमबीएस स्टार्ट होने वाला है, अब चूंकि इसके हैं वो फिर दे सकते हैं, उसमें बीच में वो हमारे सही साहब से कुछ पैसे वसूल किए, फिर उसके बाद रियाज साहब उनके डीएड कॉलेज के उनके थोड़े पैसे बना के फिर थोड़े पैसे 20 लाख 25 लाख तो मिले। 7 साल का अरसा गुजरा है सर, 2013 से। 2014 से मैं तो वहां से गया ही नहीं, जब हम पूछता तो बड़ी इससे मतलब टाल देते थे, नहीं तलखी से जवाब दे डाल देते, तलखी से जवाब तलखी से देते जवाब दे थे। डाल देते, अच्छा तो मैं अच्छा 2014 से मैं गया ही नहीं, एक ही वक्त या गालिबन दो गया हूँ, वो भी वो मेरे रिटायरमेंट के बाद जनाब सईद अहमद साहब जो जी फेलिसिटेशन के लिए मुझे बुलाए थे उस वक्त गया था, और एक कोई एक रिटायर्ड हुए थे गालिबन हमारे जब्बार बिल्कुल साहब, बिल्कुल उनकी वो दावत को गया था, उसके बाद मैंने नहीं गया। बिल्कुल। अखिल साहब आप एक ऐसी मारुफ शख्सियत हैं, एजुकेशन सेक्टर में हो या अदब की दुनिया में हो, आपका अपना एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर में बावकार शख्सियत में आपके नाम शामिल शुमार है। सर कल चूंकि 30 तारीख है, लोगों के जहन में एक अजीब सा तजुर्ब पैदा हो चुका है कि क्या होना क्या नहीं होगा, एक आपकी तरफ से एक मैसेज दे दें बस काफी। नहीं नहीं मैसेज तो यही है कि जी भी जो लोग जो इस चीज के जो भी जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारान वो खुद जो लोन लिए हैं उनको वो खुद बैठ के वो मीटिंग बुला के करना है कि भी इसका तय करना है कि पैसे कैसे खर्चा हुए, हमें तो अकाउंट्स नहीं आए, बिल्कुल ये 8 करोड़ का रुपया का जो पैसे का खर्चा हमें तो कोई दिया नहीं है, वो कैसे खर्चा के एक मीटिंग बुलानी है, इसके लिए हमारे मैं दरखास्त करता हूँ, मुअद्दिबाना दरखास्त करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि उनके पावर्स इस्तेमाल करें, सेक्रेटरी को कहें 6 नवंबर को उन्होंने एक लेटर लिखा है ये मीटिंग बिल्कुल बुलाने के लिए, अभी तक नहीं बुलाए, तो अगर वो नहीं बुलाए तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी को बोल के लिख सकते हैं, अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी नहीं माने तो वो खुद बुला सकते हैं, जी। अगर वो खुद बुला के नहीं आया तो इट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट नाउ, जी प्रेसिडेंट इज द एम्बेसडर ऑफ द ट्रस्ट, बिल्कुल देयर इज नथिंग कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट, जी ये बिल्कुल चूंकि इट इज ऑफ एनी हाउ ए बिल्कुल डिजिग्नेशन, ही इज आई एम ए ट्रस्टी यस रादर, यस बट वी हैव बीन केप्ट आउट ऑफ दिस प्रिव्यू एवर सिंस द डिमाइस ऑफ अली जनाब हाजी बिल्कुल सेठ साहब, बिल्कुल हमारी कोई बात नहीं माने बिल्कुल हमने, ये भी 2014 में जब आ गया कि भी उस वक्त तो रिसर्च का बहुत मामला था, मैंने कहा कि रिसर्च का अब स्टार्ट करने हैं, तो बड़ी तलखी से जवाब दिया, उसके बाद हमने ये कर दिया, और इसका ये भी मैसेज मैं आप दोनों था, तो उसके बाद आप एडिट भी करना है कर लीजिए, यही कह रहा हूं कि भी मैं 92 में जब मैं स्टार्ट किया 91 से स्टार्ट किया था 86 87 में हमारी यूनिवर्सिटी में, आई एम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, आई वॉज द फर्स्ट वन, उसके बाद 92 में मैं हमारे बहुत सारे लोगों को बोला कि भी हमारे फॉर्म के बच्चे हैं उनको भी आप तैयार करना है सो दैट दे कैन कम टू द मेन स्ट्रीम, दे कैन कॉम्पीट सो दैट द पैरासेटल कम्युनिटी कैन बिकम पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी, जी कोई इसके नहीं दिया, उसके बाद से हम ज्ञानबुद्धि गए, ज्ञानबुद्धि में हमने
15 साल में 5,000 लेक्चर्स फ्री दिया हूं मैं, जिसमें उस वक्त के जमाने में मुझे याद है कि 13,700 बच्चे पूरे अपॉइंटमेंट लिए बगैर करप्शन। आई वॉज द चेयरमैन फॉर दिस। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जी। दूसरे ट्रस्ट के बनिस्बत एजुकेशन ट्रस्ट के ये होते हैं। जी। और इत्तफाकन ऐसा है कि एक टीचर इज द प्रेसिडेंट, एक टीचर इज द वाइस प्रेसिडेंट। तो फिर एक टीचर के तीन रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इट इज द प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब ये नहीं कर सके तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कॉमन सवाल है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम डिस्चार्ज नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसा है कि पुलिस को कंप्लेंट, अब ये सब चीजें हमको पुलिस को कंप्लेंट जाना पुलिस, क्योंकि हम सिस्टम में काम कर रहे थे उस वक्त, मेरा उतना नहीं हो सकता था। अब आई डोंट माइंड टू कम इनटू द ओपन दिस वन बिकॉज आई एम रिटायर्ड पर्सन। बिल्कुल। हम इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब से हर वक्त यहां गुजारिश करते थे, दरखास्त करते थे, क्योंकि ही वॉज रिटायर्ड पर्सन, ही विल नॉट बाउंड बाय एनी ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर, ट्रस्ट में लोन लेने से पहले बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं उनके सिग्नेचर्स की जरूरत है। एक खाली एक हमें एक ही सिग्नेचर हमने किए हैं 2007 में, ऑथराइजिंग टू जस्ट गो फॉर दिस वन। ओरली बोले थे कि भी थोड़े हमें थोड़े लाखों की जरूरत है। तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी? 95 लाख लिए थे, उसके बाद मालूम हुआ, उसके बाद मैं इसे चला गया। 95 लाख के बाद जो बाकी के जो भी लोन है, मैं उस वक्त में वाइस चांसलर था, वो उसके बाद आए, फिर हम यही रहती है कि अभी कुछ लिए हैं गालिबन। भाई कैसा आप ये करते हैं? सी आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए पुलिसमैन। ए टीचर इज लाइक ए जज, दैट एवरीवन इज ए इनोसेंट अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज। इन कॉन्ट्ररी ए पुलिसमैन, एवरीवन इज ए क्रिमिनल अनलेस ही डू प्रूव अदरवाइज। आई एम ए टीचर, आई विल हैव टू कंसीडर एवरीवन टू बी इनोसेंट। तमन्ना भी है, और सब लोगों को भी ये करना है कि भी जो लोग भी उन्होंने गलतियां की है, गलतियों पे सुधार करें। हम ये नहीं कहे कि कुछ हमें तोहमत लगा नहीं रहे, कोई बोतान नहीं करें, गलतियों का सुधार, गलतियों का सुधार होना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग उन्होंने गलतियां की है वो गलतियों का सुधार है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी की बात नहीं मानते तो उन्हें खुद उनको गलतियों को सुधारना पड़ता है, ताकि इंस्टीट्यूशन को खत्म होने से, इंस्टीट्यूशन का नहीं है, कौम मिल्लत का असासा है। कौम मिल्लत का असासा है, किसी का नहीं है, ना मेरी प्रॉपर्टी है ना आपकी प्रॉपर्टी है। ये ट्रस्टी इसीलिए कहते हैं कि आप पे ट्रस्ट किया गया है। ट्रस्ट का मतलब, ट्रस्ट का मतलब है कि यू आर ए ट्रस्टी, यू आर ए कस्टोडियन, यू आर ए गार्डियन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर मैं ट्रस्टी ही, अगर मैं मेक द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देन द होल कॉन्सेप्ट कोलैप्स लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।